हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह रेकवर। दोस्तों मेरे पास देखिए ये तोशिबा का एक LCD TV आया है। इसका मॉडल नंबर देखिए, ये लिखा हुआ है 24HV10ZE, 48 वाट का ये इसकी वाट है। और चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सिम्टम हो रहे हैं और ऑन करके दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों मैं इसको पावर देता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पर, और देखिए इसमें क्या सिम्टम हो रहा है। ये देखिए इंडिकेटर इसका विलिंग कर रहा है और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए इंडिकेटर विलिंग कर रहा है, देखिए खाली इंडिकेटर की विलिंग हो रही है। देखिए आपको देखें, देखिए तोशिबा, और स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। अभी स्टार्ट अगर होता है तो हल्का हल्का लाइट इस पर आता है। मैं यहाँ से, यहाँ देखिए इसका ऊपर ऑन वाला बटन है, इसको मैं फिर से दबाता हूँ। देखिए कुछ अंतर नहीं हो रहा है इसमें, सेट इंडिकेटर ब्लिंक ही कर रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा गलत लग रहा है। चलिए मैं आपको सेट खोलता हूँ और उसके वोल्टेज मैनेजमेंट करते हैं, क्या दिक्कत हो रही है और फिर देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों जिस सेट ओपन कर लिया, देखिए ये LCD है और मैंने आपको बताया भी था। और देखिए ये इसकी पावर सप्लाई है और यहाँ ये इसका लॉजिक बोर्ड है, यही देखिए इसका मदरबोर्ड, और इस तरफ इसका ये हमने यहाँ पे पैनल ठीक पैनल दिए हुए, पैनल बना हुआ है इसमें। और इसका पैनल नंबर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए देख लीजिए दोस्तों इसका ये पैनल नंबर है इसका। और चलिए मैं इसको पावर देता हूँ यहाँ पे, ओके कोड पावर देता हूँ और फिर इसका लगा के इस पर वोल्टेज मेंटेन करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलिए मैं यहाँ पर इसको पावर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे वोल्टेज मेंटेन करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे वोल्टेज भी दिए हुए हैं, सेट मैंने ऑन कर दिया हूँ। यहाँ थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए सारे वोल्टेज इसमें लिखे हुए हैं, एक नंबर पेन दो नंबर पेन पे क्या आता है, तो कितने कितने वोल्ट, 5 वोल्ट 13 वोल्ट सारे इसमें लिखे हुए हैं कनेक्टर ऊपर। तो चलिए इस पर वोल्टेज कनेक्टर पे चेक करते हैं। तो पहली पिन पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, तो पहली पिन ये देखिए इस पर 3 पॉइंट कुछ कम ज़्यादा हो रहा है। फिर दूसरी पे चेक करता हूँ मैं, देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, ग्राउंड नहीं है क्या, देखिए कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पर, और यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 1 पॉइंट दिखा रहा है। और यहाँ देखिए ये वोल्टेज दिखा रहा है, अप डाउन वोल्टेज हो रहा है, देखिए 4 वोल्ट, देखिए अप डाउन हो रहा है फिलिप, और कम से कम 5 वोल्ट तो यहाँ बनना चाहिए था, कम बन रहा है, देखिए 4 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ 14 से 13 वोल्ट जो बन रहे हैं, LG सप्लाई यहाँ बन रही है, देखिए। और ये है इसका यहाँ पे डायोड, ये 5 वोल्ट के लिए है, मीटर पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए देखिए यहाँ लेकिन वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। और थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा सा गौर से देखिएगा PCB पे ये किस कारण दिक्कत आ रही है। देखिए इस पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर ये वाला, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला कैपेसिटर, देखिए यहाँ से हल्का सा फटा फूलस दिख रहा है, ये हो सकता है कि ये फिल्ट्रेशन सही नहीं कर रहा, इसके कारण ये 14 वोल्ट के लगभग जो फिल्ट्रेशन उसके लिए लगा हुआ है, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट जो फिल्टर हो रहे हैं 1016 और कंडेंसर है, हो सकता है इसके कारण भी ये दिक्कत उत्पन्न हो रही है। तो चलिए दोस्तों मैं इस PC को निकालता हूँ बाहर और ये कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि सेट ऑन होता है कि नहीं होता है, कि वही प्रॉब्लम कर रहा है, इसको देखते हैं दोस्तों, है कि नहीं।
और यहाँ सारे वोल्टेज डिटेल दिए ही थे मैंने आपको, दिखाई दिया था यहाँ पे, देखिए फिर वोल्टेज इसमें नापेंगे, इस चीज़ में वोल्टेज नाप के फिर देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये कैपेसिटर निकालते हैं, ये आपको मैंने बताया था, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे पूरा फूला हुआ। और चलिए इसको चेंज करते हैं और देखते हैं। चलिए पहले इसको यहाँ से निकालता हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा इसकी वैल्यू क्या है। देखिए मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये 1000 mAh 1000 mAh 60 volt है, 16 volt का है। और रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मीटर पे भी चेक करके बताता हूँ। ये मेरे पास ये मीटर जो है STC का कैपेसिटर भी चेक कर लेता है, ये वाला मीटर है, मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखाता हूँ। ये वैसे सही भी बता सकता है या गड़बड़ भी बता सकता है, मैं आपको इसको चेक करता हूँ। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम भी कम करूँगा इसमें। चलिए दोस्तों देखिए ये कैपेसिटर, मैं इसके यहाँ ये मैंने इस पर करके रखा हुआ हूँ कैपेसिटर पे, और मैं यहाँ पे ये माइनस में माइनस फोर लगा रहा हूँ और प्लस पे प्लस लगा रहा हूँ। तो देखिएगा मीटर पे क्या दिखा रहा है ये, एक मिनट में फिर से लगा रहा हूँ। देखिए मीटर पे लगाया हूँ मैंने फ्रॉड, क्या दिखा रहा है ये देखिए, 65। देखिए इसकी ये वैल्यू दिखा रहा है, मैं हाथ हटा रहा हूँ एक मिनट, सॉरी। देख लीजिए, देखिए वैल्यू भी कम बता रहा है और प्रिपरेशन भी गड़बड़ कर रहा है। चलिए दोस्तों दूसरा फिल्टर अच्छा वाला इसमें लगाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों ये वाला कैपेसिटर देखिए, मैं एक ये मेरे पास है, आप इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। देखिए 1025 volt में है, 1000 mAh में UF है, UF में है ये, थोड़ा सा फोकस करें ये देखिए। और चलिए इसकी वैल्यू नापते हैं मीटर पे क्या दिखा रहा है। वैसे ही लगाऊंगा माइनस में माइनस और प्लस में प्लस लगाऊंगा, एक मिनट अच्छे से लगा देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। देखिए लगाता हूँ मैं, अब देखिएगा मीटर पे थोड़ी देर, ये देखिए 1000, 1005 दिख रहा है, मतलब एक कैपेसिटर की जो UF है वो भी अच्छी है और वोल्ट भी ठीक है, 25 volt का है। चलिए ये इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसमें लगाता हूँ सॉरी, और फिर देखते हैं इसकी वोल्टेज कितने बन रहा है, लगा के चेक करेंगे। चलिए दोस्तों चलिए इसको ये कम लगाते हैं कैपेसिटर, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ देखिए। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से मैं कंप्लीट बिठा देता हूँ उसको कि इसमें ये दिक्कत ना करे, अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है। और चलिए इसको देखते हैं और आगे चेक करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए ये कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया था, आपको दिखाया है, और इसके वोल्टेज नापते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, और मैं सेट को ऑन करता हूँ यहाँ पावर दे के, मैंने पावर दिया तो इंडिकेटर देखिए इसका, देखिए बिल्कुल स्थिर है, यहाँ पे देखने पे ब्लिंक नहीं कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊँ चाहूँगा थोड़ा सा, देखिए इसमें ब्रेक लाइट भी ऑन हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए सेट ऑन हो चुका है। लेकिन चलिए थोड़ा सा वोल्टेज मैनेजमेंट करते हैं कि सही था कि गलत चीज़ थी, इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये 5 volt वाले 5 volt पे लगे हुए डायोड हैं, यहाँ पे मैं आपको लगाता हूँ। और यहाँ देखिए वोल्टेज दिखा रहे हैं, देखो 5.2 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। और ये 13 volt का डायोड है यहाँ पे, ये मैं लगा 13 से 14-12 volt बन रहे हैं, देखिए यहाँ बन रहे हैं डबल डायोड के का है। और यहाँ पे मैंने पिन बताया था आपको, देखिए यहाँ 3.4 volt बन रहे हैं,
और यहाँ पे ये देखिए 5 वोल्ट बराबर मतलब सेट ऑन हो चुका है। चलिए सेट को मैं थोड़ा सा ही ऊपर करके दिखा पाऊँगा, उसके बाद आपको पिक करूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए ब्लू स्क्रीन बराबर ये स्क्रीन आ गया इसका, और मैं चलिए इसको पिक करता हूँ, फिर आपको उसमें पिक्चर दिखा के चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये सेट मैंने पैक कर लिया हूँ, ये इसका मॉडल नंबर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको ए वी वीडियो कनेक्शन दे चुका हूँ, और मैं आपको यहाँ पे देखिए सेट ऑन हो चुका है मेरा, और वीडियो भी लगा दिए देखिए तोशिबा, और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ देखिए इसका पूरा ये तोशिबा का सेट मेरा पूरा ही पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ये एलसीडी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने पे दिक्कत करेगा कि थोड़ा अगर आप ऊपर नीचे इसको देखते हैं आड़ तिरछा करके तो पिक्चर वैसे दिखेगा। और चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें नीचे रख के और आपको साउंड ऑन रिमोट से साउंड भी देखिए साउंड भी सुना देता हूँ, ये साउंड भी आने लगा इसमें देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और बेल का इनको प्रेस कर दीजिएगा, जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको प्राप्त होते रहे। ओके दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।